राम राम साहब, हुक्म कहाँ से आए हो? जोधपुर से आए हैं। हा हा हा, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। हाँ जी, हमारे लिए ना है। थैंक यू। आप लाए, हम लगा लेते हैं, चश्मा भी आया। भाड़ में गया, लगाओ। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो पूज्य दादा गुरु भगवान की, बोलो पूज्य सतगुरु भगवान की। लो भैया, जय जय मारो प्यारो राजस्थान, जय जय मारो प्यारो बागेश्वर धाम, जय सियाराम, जय जय मारो प्यारो बागेश्वर धाम। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर बालाजी की जय हो, गौ माता की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आइए नजदीक, क्या समाधान बालाजी से पाना चाहते हैं आप? घर से बीमार रहती है और ये 100% ब्लाइंड है जी, अच्छा नंबर बने और बिना राइडर एग्जाम करता है। हमने फरवरी में दवाई बना के दी थी कोई को, आपने जो को उसकी बाद उसने बिल्कुल बिना राइडर इसने 12वीं का एग्जाम दिया। वाह। और साइंस मैथ विषय, इसलिए गुरु जी, पत्नी को शरीर में पीड़ा रोग बना रहता, लगातार बीमार रहती, बालक की चिंता, नेत्रों में रोशनी में दिक्कत है, 100% ही ब्लाइंड है, लेकिन इस बालक को 12% ज्योति में आराम लगेगा। धाम की मंत्र चिकित्सा के प्रभाव से बालाजी कृपा करेंगे। मार्गदर्शन के लिए आप बालक के लिए आए हैं, इसका आगे भविष्य में नौकरी का योग है और आशीर्वाद है। बिल्कुल सत्य, यही जानने आए, बस यही रोशनी जिंदगी भर इसकी चलती रहे, गुरु की कृपा हो, सन्यासी बाबा की कृपा से, बस यही है कि जो 12% रोशनी है उसे ये सफर करता है। करीब ये जयपुर जोधपुर अपना अकेले ही जाता है ना, अकेले ही आता है, हम कोई साथ में नहीं जाते इसके। पेशी कौन करेगा? पेशी मैं करता हूँ, ये दूसरी बार पर्चा बना है सर। ठीक, और कल फिर से एक नई विधि कर देंगे। हाँ, कल तो सवेरे हमारी गाड़ी है 9:15। अब इसको आगे का अगली बार में, अब इसको आगे का सफर तय करना वो थोड़ा बराबर। हाँ बताइए गुरुजी, कब आगे क्या करें? 12th के बाद, 12वीं के बाद आप हमारी पद्धति के अनुसार, आपके लिए जो बहुत योग्य रहेगा वो विद्या मार्ग में ही, शिक्षा मार्ग में। IIT? हाँ पक्का। 203%। अरे वाह, आपने हमारा जी खुश कर दिया। हम तो जी खुश करने बैठे ही है साहब, आइसक्रीम वाले थोड़ी है गुरुजी है। आइसक्रीम वाला जो है कलेजा ठंडा करता है, हम तो दिल और दिमाग दोनों ठंडे करते हैं। सही बात है। अच्छा जी, खुश रहो, मारो प्यारो राजस्थान, पधारो मारे देश। अच्छा गाओ जरा। अच्छा ये गाना। हाँ खड़े हो जाओ, उस तरफ मुंह कर लो। अलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग
सजाया है। ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द सहे, आबाद रहे वो गांव मेरा, चाहे नाम मेरा ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। माँ तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। माँ केसरी, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो इस बच्चे को। गुरुजी हम उसको दिव्यांग है तो क्या हुआ, पर बच्चा बड़ा अद्भुत है। गुरुजी एक मोबाइल भी चलाते हो? ओ वाह। हाँ गुरुजी हम गवर्नमेंट की जॉब जिराने चाहते हैं और आप चलो कोई नहीं, बच्चे की खुशी है। और ये एक जापानी भाषा सीख रहा है, उसको बोलो जब उसमें अपन नहीं जाना, गाना भी उसका सीखने दो, क्या बुराई है जापानी से, तुम्हें जापान से क्या दिक्कत। ये चलो ये तो ठीक है ना, एलियन की भाषा नहीं सीख रहा, पृथ्वी पर की भाषा सीखने दो, जाओ आशीर्वाद लाते रहा करो, अगली बार नया सुनकर के सीख करके आना। ओके यो कम है माई बिग ब्रदर। हाँ खुश रहे माँ। नहीं 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 हम वो उपाय अगली बार कर पक्का। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। सन्यासी बाबा के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हैं। आ जाओ बहन जी, साथ में है कोई, आओ। ये जो लाल स्टॉल डाले, जय जय सीताराम, ओम बागेश्वर धाम सरकार श्री बालाजी सरकार की जय, ओम बागेश्वर धाम सरकार श्री गुरुदेव भगवान जी की जय। कहां से है? पहली बार आए? किसी को अपना विषय दरबार में पहली बार आए? आ गए, वाह वाह, वहां पहुंच जाओ, ऊपर आ जाओ, वहां से संजय वहां से ऊपर आ जाओ, लेवा ले आओ, जरा रास्ता दे देना बच्चों। आज निर्वाणा फाउंडेशन, निर्वाणा फाउंडेशन है, निर्वाणा फाउंडेशन के अंतर्गत हमारे छतरपुर में दिव्यांग बेटा बेटियों की सेवा की जाती है, जो मानसिक विक्षिप्त हैं, दिव्यांग हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी सेवा पूरी निर्वाणा फाउंडेशन करती है। हमारे भाव ही निर्वाणा के प्रति बहुत ज़्यादा हृदय से जुड़े हैं। वहाँ की दिव्यांग बेटियाँ जिन्हें दिखाई तो नहीं देता, जिनका परिवार छोड़ के चला गया, लेने नहीं आते न खबर लेते हैं, उनकी मदद संजय जी और पत्नी सहित मिलकर पूरी उनकी सेवा करते हैं, और वो बेटियां इतना सुरीला गाती हैं कि सुनकर के आनंद आएगा। उन बेटियों के द्वारा हम लोग आज गायन सुनेंगे। भैया तनक हमें चाय पिला दे आगे के लगे। तो कहो भैया पहली बार है भाई, भाई नियम को पालन करो, पढ़े लिखे हो, उल्लू तो नहीं बनोगे। ठीक आओ फिर बकरी में पूछो क्या समाधान चाहिए। ठीक है क्या हो गया? अच्छा कहाँ हैं? अच्छा तो तुम लोगाई से परेशान हो।
कहाँ रहते हो? इसीलिए तो हम शादी जल्दी नहीं कर रहे हैं, इसी चक्कर में आओ। कौशंबी, ठीक, माताजी के बारे में क्या जानना है? चार बातें आपकी आई। एक पहला तो आया, मन उच्चाटित रहता है, बहुत ज्यादा तनाव में है वर्तमान में, पत्नी को प्रेत बाधा है, चक्कर आ रहे हैं, शरीर में कंपन होता है, झटका मार करके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, कोई गला पकड़ने लगता है, जिस कारण से आप परेशान होकर के आए हैं। प्रेत विद्या का प्रभाव है, माँ को पैर में पीड़ा बनी हुई है, 2020 से परेशान, L5, L3, S1, इन तीनों नसों में दिक्कत हो गई है, ऑपरेशन नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। बोलो हाँ या ना? जी प्रभु जी, एकदम सत्य बात है। कोई संदेह? राम, पेशी नियम शुरू करने, बिल्कुल चूकना नहीं है, आज से ही लीला होगी और हम उपाय कर देते हैं। आपके घर में ब्रह्मप्रीत का प्रभाव 2016 से बना है, 2020 से ज्यादा दिक्कत बन गई है, पत्नी पर प्रयोग किया गया है नकारात्मक ऊर्जा का, उसके लिए कई जगह हो भी आए हैं। आप माताजी को डॉक्टरी सलाह तो लें ही, साथ में हमारे पास जो हीलिंग मंत्र चिकित्सा है उसका प्रयोग करवाएं। घर में आपके ब्रह्म देव का स्थान है, वो बहुत पावरफुल हैं, वही रक्षा करेंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है। हाँ, वो नहीं जाएगा, नहीं रहेगा, हम हैं, ठीक, जाओ, पेशी और नियम भर मत छू।